बंटी कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। वो नारियल पानी बेचने के लिए सुबह सुबह अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो, नारियल वाला ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो। अरे ओ नारियल पानी वाले, जरा इधर आना। अरे बहन जी, मेरे पास काफी ज्यादा नारियल पानी है, इसीलिए मैं इतने सारे नारियल पानी लेकर आपके पास नहीं आ पाऊंगा। इसीलिए आप ऐसा करो, आप ही आ जाओ मेरे पास नारियल पानी लेने के लिए। अच्छा ठीक है, तो तू वहीं पर रुक, मैं अभी लेने के लिए आ रही हूँ। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया नारियल पानी खरीदने के लिए बंटी कबूतर के पास आती है। अरे बहन, तुम जरा थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हें नारियल काट कर देता हूँ। फिर उसके बाद बंटी कबूतर नारियल काटने लगता है। नारियल काटने के बाद वो उसे देते हुए कहता है, ये लो बहन नारियल पानी, और पीकर देखो, ये नारियल पानी काफी ज्यादा स्वादिष्ट है और बहुत ठंडा ठंडा है। इसे पीकर तो आपको मजा ही आ जाएगा। पियो पियो, जल्दी पियो। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया नारियल पानी पीने लगती है और इसी तरह बंटी कबूतर के खूब नारियल पानी बेचने लगते हैं और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। और फिर उसके बाद शाम को जब वो अपने घर आता है, तब वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे टुनटुनी, ये ले आज के पैसे, और इसमें से आधे पैसे तू अलग उठा कर रख देना, क्योंकि गोलू बेटे की पढ़ाई में काम आएगा, और आधे पैसे अपने घर खर्च के लिए रख लेना। मैं कहती हूँ ना बंटी जी, आप थोड़ा अपना भी अच्छे से ख्याल रखा करो और अपनी अच्छे से देखभाल किया करो, क्योंकि आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम अभी परेशान चल रहे हो, इसीलिए थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान रखा करो। अरे टुनटुनी, मैं क्या करूं, मुझे अपने गोलू बेटे के भविष्य की भी चिंता है, इसीलिए मैं अपना कम ध्यान रखता हूँ, अपने बेटे और टुनटुनी का ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि अगर मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो किसी दिन वो कोई बन जाएगा। अच्छा ठीक है बंटी जी, जब तुम्हें अपने बेटे की भविष्य की चिंता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अपने बेटे की भी चिंता होनी चाहिए। चलो अब तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, फिर तुम पानी पी लेना। इस तरह उन दोनों के दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। ऐसे में एक दिन बंटी कबूतर अपने नारियल पानी बेचने के लिए जा रहा होता है कि तभी एक बाज बंटी कबूतर के ऊपर हमला कर देता है। इस तरह बंटी कबूतर उस बाज का शिकार बन जाता है और ये सब एक पेड़ पर बैठी हुई मीनू चिड़िया देख रही थी। वो ये सब देखती है तो वो तेजी से उड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास आती है और वो टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताते हुए कहती है, अरे टुनटुनी, तू लुट गई, तू बर्बाद हो गई और अब तू इस दुनिया में अकेली रह गई है। आज मैंने देखा था कि एक बाज बंटी कबूतर को अपना शिकार बनाकर ले गया, जिसके कारण बंटी कबूतर की मौत हो गई, इसीलिए अब वो इस दुनिया में नहीं है। अरे मीनू बहन जी, आप ये क्या कह रही हो, उस बाज की मेरे पति से क्या दुश्मनी थी, जो उस बाज ने मेरे पति को ही अपना शिकार बनाया है और उनका हमला कर दिया, अब मैं अपने बेटे को लेकर अकेले कैसे रहूंगी। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके पास मैं जाकर अपने बेटे को पाल लूं
और अपने बेटे की अच्छे से देखभाल करूं। अब मैं अकेले अपने बेटे को कैसे पढ़ा लिखा पाऊंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर की याद में ऐसे ही 2-3 दिनों तक रोती रहती है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू चिड़ा उसके पास आकर उससे कहता है, माँ कई दिन हो गए हैं आप ऐसे ही उदास मन से बैठी रहती हो और हमेशा पापा की याद में रोती रहती हो। और कई दिन हो गए आपने कई दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है। अगर आप ऐसे ही उदास रहोगी और हमेशा रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और अगर माँ आपको कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा? मेरा तो इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। इसीलिए माँ आप मेरे लिए तो थोड़ा सा खा लो। अपने दिल पर पत्थर रख कर टुनटुनी चिड़िया फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। तब वो अपने बेटे से कहती है, अरे गोलू बेटा, मैं नारियल पानी बेचने के लिए जंगल में जा रही हूँ, इसीलिए तुम घर पर रहना और अपना अच्छे से ख्याल रखना और घर की भी अच्छे से देखभाल करना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम कहीं पर भी मत जाना, घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई करते रहना। माँ मैं तुम्हें नारियल पानी बेचने के लिए अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ नारियल पानी बेचने के लिए चलूंगा और मैं तुम्हारे साथ मिलकर नारियल पानी बिछवाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं गोलू बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। तुम घर पर रहना और अपना और घर का अच्छे से ध्यान रखना। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़ा को समझाती है और वो उसे घर छोड़कर नारियल पानी बेचने के लिए चली जाती है। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा ताजा ताजा नारियल पानी ले लो, बढ़िया स्वादिष्ट ताजा नारियल पानी ले लो। तभी एक कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, तू ऐसा कर, तू कहीं और जाकर अपने नारियल पानी बेच, क्योंकि यहाँ पर तो मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचता हूँ, इसीलिए तू अपने नारियल पानी कहीं और जाकर बेच। और वैसे भी अब तो जंगल के सभी पक्षी कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं, तेरे ठेले पर तो कोई भी नारियल पानी पीने के लिए नहीं आता है, इसीलिए अगर तुझे अपनी दुकान लगानी है तो तू कहीं और जाकर लगा। अच्छा तो ठीक है कालू भैया, जब आप इतना कह रहे हो तो मैं कहीं और अपना नारियल का ठेला लगा लूंगी। मैं कल से तुम्हारे पास नारियल का ठेला नहीं लगाऊंगी। फिर उसके बाद अगले दिन टुनटुनी चिड़िया थोड़ी दूरी पर जाकर अपने नारियल पानी का ठेला लगा लेती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन टुनटुनी चिड़िया के पास कोई भी पक्षी नारियल पानी पीने के लिए नहीं आता है। जंगल के सभी पक्षी तो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे थे। नारियल पानी ना बिछने के कारण टुनटुनी चिड़िया काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के वजह से जंगल के सभी पक्षी धीरे धीरे बीमार पड़ जाते हैं। तब डॉक्टर टूनी उन्हें बताती है, अरे बहन जी, आप सब जंगल के पक्षियों की हालत ये कोल्ड ड्रिंक पीने से बिगड़ी है, इसीलिए अब आप इस कोल्ड ड्रिंक को पीना बंद कर देना। और अगर आपको अपनी सेहत सही करनी है तो आप कल से नारियल पानी पीना शुरू कर देना, जिससे आपकी सेहत एकदम ठीक रहेगी और आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। अरे डॉक्टर टूनी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो,
हम आज से ही नारियल पानी पीना शुरू कर देते हैं और हम ये कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर देंगे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी तबीयत खराब हो रही है। फिर उसके बाद जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के टेले पर आते हैं नारियल पानी पीने के लिए। तब टुनटुनी चिड़िया अपने ठेले पर उदास मन से बैठी हुई थी। तब जंगल के पक्षी उससे कहते हैं, अरे टुनटुनी, हम तुम्हारे ठेले पर नारियल पानी पीने के लिए आए हैं और आए से हम सब जंगल के पक्षियों ने कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिया है। क्या तुम अब हमें अपने ठेले के नारियल पानी पिलाओगी? अरे यहाँ मीनू बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी आप सब पक्षियों को नारियल पानी देती हूँ। फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी मन से सबको नारियल पानी देने लगती है और अब टुनटुनी चिड़िया नारियल पानी बेच बेच कर खूब सारे पैसे कमाने लगती है और उसकी दुकानदारी भी खूब बढ़ने लगती है और टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर नारियल पानी पीने वाले पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। और फिर इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे गोलू चिड़ा के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। सुंदरवन के एक जंगल में एक गरीब किसान बंटी कबूतर रहा करता था। ऐसे में एक दिन बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, देखो बंटी जी, हमारा तो ये एक ही बेटा है गोलू, और इससे भी हम बेहतर और अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते हैं। पता नहीं हमारी ये गरीबी कब खत्म होगी, और पता नहीं हम अपने बेटे गोलू को कब अच्छे कपड़े पहनाएंगे और उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। मुझे लगता है कि ये मेरा सपना ही रह जाएगा। पता नहीं इस सपने को मैं कब पूरा कर पाऊंगी। अरे टुनटुनी, तुम ऐसा क्यों कहती हो कि ये तुम्हारा सपना कभी भी पूरा नहीं होगा? मैंने तो इस बार सोचा था कि अगर हमारी इस बार अच्छी फसल हुई तो मैं अपने पूरे परिवार के लिए अच्छे और नए कपड़े लेकर आऊँगा, लेकिन भगवान के आगे किसकी चली है जो हमारी चल जाएगी। इस बार भी हमारी फसल बेकार ही आई है, एक भी बार हमारी फसल अच्छी नहीं आई है। हाँ बंटी जी, अपनी फसल खराब हो गई और मेरी चिंता भी बढ़ गई। साहूकार अपने पैसे लेने के लिए आएगा हमारे पास, तब हम क्या करेंगे? वो तो हमारा घर ही हड़प लेगा हमसे। पिछली बार तो बड़ी मुश्किल से बचाया था हमने अपने घर को, लेकिन इस बार तो मुझे लगता है कि हमारा घर चला ही जाएगा और हम इसे नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम साहूकार का कर्ज चुका दें। अरे टुनटुनी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, ऊपर वाला हमें कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगा। ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए अब तुम ज्यादा मत रो और ना ही उदास रहो। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं। ऐसे में एक दिन दूसरे जंगल का व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर सुंदरवन जंगल में आता है और उसकी मुलाकात बंटी कबूतर से होती है। तो वो बंटी कबूतर से कहता है, अरे भाई जी, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला हूँ और हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास खूब सारा धन दौलत है और खूब पैसे हैं, लेकिन बस हमारे पास कोई संतान नहीं है।
इसीलिए मैं इस जंगल में एक बच्चे को गोद लेने के लिए आया हूँ। चाहे वो चिड़िया हो चाहे वो चिड़ा हो, मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ और मैं उसके बदले खूब सारे पैसे दूंगा। क्या इस जंगल में मुझे चिड़िया या चिड़ा मिल सकता है गोद? उस व्यापारी की इस बात को सुनकर बंटी कबूतर अपने मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं अपने गोलू बेटे को इन्हें गोद दे दूं और जिसके बदले मुझे खूब सारे पैसे मिलेंगे और मेरा गोलू बेटा इनके घर में खुश भी रहेगा और उसे किसी भी चीज़ की कमी भी नहीं होगी और ये मुझे जो पैसे देंगे उन पैसों से मैं साहूकार का कर्ज भी चुका सकता हूँ। इसीलिए मैं इन्हें अपने ही घर पर ले जाता हूँ। चलिए साहब, आप मेरे घर पर चलिए। मेरे पास एक बेटा है और उसका नाम गोलू है। आप मेरे ही बेटे को गोद ले लो और उसके बदले आप मुझे पैसे दे देना। मैं अपना बेटा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ, चलो चलो, बेटा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि बेटा तो लड़कियों से ज़्यादातर अच्छा ही होता है। इसीलिए तुम हमें अपने घर पर लेकर चलो, हम तुम्हारा बेटा लेने के लिए तैयार हैं। और फिर उसके बाद बंटी कबूतर उन दोनों को लेकर अपने घर पर आ जाता है। और फिर उसके बाद बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को एक कोने में लेकर जाता है और वो उसे सारी बातें बताता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी, ये जो अपने घर पर व्यापारी आए हैं वो एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, क्यों ना हम अपने गोलू बेटे को उन्हें गोद दे दें और जिसके बदले वो हमें खूब सारे पैसे देंगे। और अगर हम अपने बेटे को उन्हें गोद दे देंगे तो हमारा गोलू बेटा उनके घर पर खुश रहेगा और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा और अच्छा अच्छा खाना खाएगा, क्योंकि हम तो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। इसीलिए हम तो उसे अच्छा अच्छा कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम अपने बेटे को उन्हें गोद दे देते हैं और फिर वो हमें जो पैसे देंगे उन पैसों से हम साहूकार का सारा कर्ज चुका देंगे। अरे बंटी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने गोलू बेटे को उन्हें कैसे दे सकती हूँ? मैं अपने गोलू बेटा का मुंह देखकर खाना खाती हूँ और उसका मुंह देखकर यहाँ रहती हूँ। अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो मैं उसके बिना तो एक पल भी नहीं जी पाऊँगी। मैं अपने बेटे को किसी को गोद नहीं दूँगी, मैं अपने बेटे को अपने ही पास रखूँगी। अरे टुनटुनी, अब तू ज़्यादा पागलपन क्यों दे रही है? तू ये भी तो सोच कि अगर अपना गोलू बेटा उनके घर चला जाएगा तो उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और वो वहाँ पर खुश रहेगा। वो हमारे पास खुश भी तो नहीं रह रहा है, और तू माँ तो फिर दोबारा भी बन सकती है, तो तू अपना गोलू बेटा उन्हें गोद दे दे ना, इसमें तेरा क्या जा रहा है? वो तुझे उसके बदले पैसे भी तो देंगे। अच्छा ठीक है कालू जी, आप बात तो एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं अपने बेटे गोलू के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रख लूँगी, लेकिन सिर्फ मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। इसीलिए अब आप मेरे बेटे को उन्हें दे दो, मैं आपसे मना नहीं करूँगी, क्योंकि इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, बस वो कभी भी दुखी ना रहे। और फिर उसके बाद वो दोनों उन दोनों को अपना बेटा गोद दे देते हैं और उसके बदले वो दोनों टुनटुनी और बंटी कबूतर को काफ़ी ज़्यादा पैसे देते हैं।
और फिर जाते समय गोलू चिड़ा जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, माँ मुझे मत भेजो, माँ बापू मैं आप दोनों से अलग नहीं रह पाऊंगा, आप मुझे इन दोनों के साथ मत भेजो, मैं इन दोनों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं आप दोनों के पास यहीं पर रहूंगा, माँ आप मुझे मत भेजो माँ। अरे गोलू बेटा, ये लोग तेरे नए माँ बाप हैं, अगर तू इन लोगों के साथ जाएगा तो तू वहाँ पर खुश रहेगा और तुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, इसीलिए तू इनके साथ चला जा और ये लोग तुझे अच्छा अच्छा खाना भी देंगे, इसीलिए तू चला जा बेटा, ज़्यादा जिद मत कर, मैं गरीब हूँ इसीलिए मैं तुझे खुश नहीं रख पाऊंगी, ये लोग तुझे खुश रखेंगे, साहब अब आप जल्दी से मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ, वरना ये ऐसे ही जिद करता रहेगा, आप ले जाओ यहाँ से। और फिर उसके बाद वो दोनों गोलू चिड़ा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर टुनटुनी चिड़िया की पड़ोसन टूनी चिड़िया दूर से बैठी ये सब देख रही थी। और साहूकार के जाने के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घर आती है और उससे कहती है, छी छी टुनटुनी, तू कैसी माँ है, तू अपने बेटे को अपने से अलग कैसे कर सकती है, मैंने तो ये सब पहली बार देखा है, कोई माँ अपने बच्चों के लिए इतनी कठोर कैसे हो सकती है, अब मैं ये बात पूरे जंगल के पक्षियों को बताऊंगी और अब हम लोग तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अरे बहन, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती, मैं तो अपने गोलू बेटे को बेहतर से बेहतर भविष्य देना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन लोगों को अपने बेटे को गोद दे दिया कि ताकि वो वहाँ पर खुश रहे, और फिर दूसरी बात वो मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे के साथ कुछ भी करूँ इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारा बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए अब तुम चली जाओ यहाँ से, मेरा ज़्यादा दिमाग खराब मत करो। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के बाद बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, मैं साहूकार का कर्ज चुकाकर बस अभी घर पर आता हूँ, तुम घर पर ही रहना और अपना अच्छे से ख्याल रखना, ऐसा नहीं कि मेरे जाने के बाद तुम रोने बैठ जाओ, अब ज़्यादा मत रोना टुनटुनी, अब हमारा गोलू बेटा वहाँ पर खुश रहेगा। अच्छा ठीक है बंटी, तुम साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए चले जाओ, लेकिन तुम जल्दी ही वापस आ जाना। फिर उसके बाद बंटी कबूतर साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए चला जाता है। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे गोलू के बिना अपना जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए जब तक हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि बंटी कबूतर की मौत कैसे हुई थी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।